Hello students, in the last video we have started with the two port network, okay, and we have studied the jet parameter in detail. Okay, in today's video we will study the Y parameter. Okay, so Y parameter, or you can say admittance parameter, or you can say short circuit parameter. Okay, तो आप किसी भी नाम से y पैरामीटर को रिमेंबर कर सकते हो, y पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर. ओके, नाउ ये जो आपका y पैरामीटर होता है, अगर आपको लास्ट जेड पैरामीटर याद हो जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो जेड पैरामीटर के हमने दो इक्वेशन लिखे थे जो दोनों आपके केवीएल इक्वेशन थे. y पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर के जो दोनों इक्वेशन होते हैं वो आपके केसीएल इक्वेशन होते हैं, I1 and I2. Okay, so होता क्या है आपका Y11 V1 plus Y12 V2, Y21 V1 plus Y22 V2. Okay, so ये होता है आपका Y parameters. Okay, so ये दोनों equation आपके कौन से हैं? KCL. और ये जो आपके Y हैं वो क्या हैं? आपके admittance. Admittance means current upon voltage. ये आपको दिमाग में रखना है. Admittance means 1 upon impedance. Okay. So, जो आपका Y matrix यहां पर होगा, वो क्या हो जाएगा आपका? Y11, Y12, Y21 and Y22. Okay. जैसा हमने Z parameter में individual Y11, Y12, Y21 and Y22 को define किया था, या आप वहां पर कह सकते हैं Z11, Z12, Z21 एंड Z22 को डिफाइन किया था, वैसे ही सेम यहां पर हम लोग इन Ys को डिफाइन करेंगे, 11, 12, 21 एंड 22 को. ओके, सो अगर मैं 1 बाय 1 डिफाइन करने जाऊं, सो जो आपका Y11 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? I1 अपॉन V1, और यहां पर 0 क्या होगा आपका? V2. ओके, सो कितना हो जाएगा? I1 अपॉन V1 and V2 is equal to 0. Same आपका जो Y12 है, Y12 कहां दिख रहा है आपको? यहां पर दिख रहा है. क्या हो जाएगा? I1 upon V2. Okay, I1 upon V2, और ये जो आपका V1 है वो क्या हो जाएगा? 0. Now Y21 क्या हो जाएगा फिर हमारा? Y21 हो जाएगा I2 upon V1. So I2 upon V1, और आपका again V2 क्या हो जाएगा? 0. एंड y22 क्या हो जाएगा हमारा? y22 हो जाएगा i2 अपॉन v2. सो i2 अपॉन v2, और 0 क्या होगा दिस टाइम? v1. ओके, सो अगर हम क्लियरली देखें यहां पर, बिल्कुल लास्ट केस जैसा ही है, जेड पैरामीटर जैसा ही है, ठीक है ना? बट यहां पर जो आपका 0 हो रहा है वो वोल्टेज 0 हो रहा है, और वोल्टेज 0 हो रहा है इसलिए हम इस तरह के पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि वोल्टेज कब जीरो होता है? शॉर्ट सर्किट में जीरो होता है. करंट कब जीरो होता है? ओपन सर्किट में. तो इसलिए Z पैरामीटर को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर के नाम से जानते थे, और Y पैरामीटर को हम लोग शॉर्ट पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर के नाम से हम लोग जानते हैं. ओके, नाउ अब अगर मैं इंडिविजुअल को डिफाइन करने जाऊं या इंडिविजुअल की नेमिंग करने जाऊं, तो ये क्या है आपका? 1 अपॉन 1, दैट इज इनपुट, और I अपॉन V क्या होता है आपका? एडमिटेंस. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस. ओके, नाउ ये जो सेकंड है आपका, ये 1 2 या 2 1 है, लास्ट में आपको डिफाइन कर चुका हूं कैसे दिमाग में रखना है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसफर 1 है ऊपर, तो क्या लिखेंगे आप? इनपुट एडमिटेंस. ओके, नाउ ये भी 1 2 या 2 1 है, लेकिन ऊपर कौन है आपका? 2 है. न्यूमरेटर में कौन है आपका? 2 है. तो आप क्या लिखेंगे? ट्रांसफर आउटपुट एडमिटेंस. नाउ लास्ट वन क्या है आपका? 2 बाय 2 है, तो आप क्या लिखेंगे? ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस. ओके, सो इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं. अगर एग्जाम में आप पूछता है ट्रांसफर इनपुट एडमिटेंस कैलकुलेट करना है हमें, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? y12 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ जिस तरह से हमने z पैरामीटर में इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, सेम हम y पैरामीटर में भी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे. ओके, नाउ बट
Z पैरामीटर जो था आपका KVL इक्वेशन था, तो जो आपका सर्किट ड्रॉ हुआ था वो सीरीज सर्किट ड्रॉ हुआ था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था आपका। यहां पर आपका जो Y पैरामीटर है वो KCL इक्वेशन है, तो आपके सर्किट जो होंगे वो पैरेलल फॉर्म में होंगे, करंट डिवाइड होगा हमारा। सो हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो पोर्ट वन में वोल्टेज होता है हमारा क्या होता है, V1, करंट कौन सी होती है I1, सेम वैसी पोर्ट टू में वोल्टेज क्या होता है आपका V2, करंट क्या होगी हमारी I2, ओके। सो जो करंट I1 है आपकी वो किस पे डिवाइड हो रही है, एक टर्म आपका कौन सा है आप देख सकते हैं पीछे Y11 V1, एंड एक टर्म कौन सा है Y12 V2, ये दोनों करंट्स पे डिवाइड हो रही है, ओके। सो अगर हम इस चीज को समझें कि जो आपका V1 है वो तो पोर्ट 1 का वोल्टेज है, तो इसको तो आप वाया ओम्स लॉ या आप कह सकते हैं जो आपने लास्ट केस पे लिखा था इंपेडेंस करंट और वोल्टेज में जो रिलेशनशिप था उसके थ्रू आप लिख सकते थे। यहां पर आप एडमिटेंस वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका सेकेंड टर्म है वो V2 पर डिपेंड कर रहा है, और V2 क्या है आपका पोर्ट 2 का वोल्टेज है, तो पोर्ट 2 का वोल्टेज अगर आप पोर्ट 1 में शो करना चाहते हैं तो आपको फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, डिपेंडेंट सोर्सेज आपको यूज करने पड़ेंगे, और चूंकि ये करंट का इक्वेशन है तो डिपेंडेंट सोर्स कौन सा सोर्स होगा, वो होगा करंट सोर्स, ओके। सो आप लोग कर सकते हैं अब यहां पर पहला टर्म क्या है वाई वन वन वी वन, ओके। सो ये कितना हो जाएगा आपका वाई वन वन, सेकेंड क्या है आपका टर्म Y12 V2, ओके। सो ये जो करंट है आपकी I1 वो यहां तक आएगी और वो इस करंट और इस करंट में क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ओके। हम लोग अगर एक और चीज कंसीडर करें यहां पर कि जो ये Y11 के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा V1 होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं सेम होते हैं। नाउ एडमिटेंस क्या होता है आपका वन अपॉन इंपेडेंस होता है, तो अगर मैं वोल्टेज इनटू एडमिटेंस करता हूं तो एक्चुअल में कर क्या रहा हूं वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस कर रहा हूं, जो कि क्या होता है करंट होता है, तो V1 इनटू Y11 आपका करंट ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो एक करंट क्या हो गया V1 इनटू Y11 और एक करंट क्या हो गया V2 इनटू Y12 हो गया, ओके। सेम हम सेकेंड लूप के लिए भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका Y22 और यहां पर अगेन आपका क्या हो जाएगा एक डिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा, ओके। और ये लाइन आपकी यहां से हम मैच कर सकते हैं, ओके। नाउ अगर आप सेकेंड इक्वेशन में देखें तो एक टर्म है आपका वाई टू टू वी टू, वी टू पर डिपेंड कर रहा है, पोर्ट टू में वी टू होता है, तो आप नॉर्मली कर सकते हैं इसको वी टू वोल्टेज वाई टू टू के अक्रॉस होगा, सो वाई टू टू इंटू वी टू क्या हो जाएगा आपका करंट हो जाएगा। बट जो आपका एक टर्म है वो है Y21 V1, अगेन वो किस पे डिपेंड कर रहा है V1 पे डिपेंड कर रहा है, पोर्ट 1 के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको फिर से क्या यूज करना पड़ेगा डिपेंडेंट सोर्स यूज करना पड़ेगा, तो आपने कर दिया यहां पर Y21 into V1, ओके। सो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ Y पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करूं आपका, सो इफ आई कंसिडर वन पाई नेटवर्क, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सपोज करिए मेरे पास एक पाई नेटवर्क है Y1, Y2 एंड Y3, ओके। अब अगर मैं यहां पर सप्लाई अप्लाई कर दूं प्लस माइनस V1, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका I1, दिस इज प्लस माइनस V2, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका I2, ओके। अब अगर मैं क्लियरली देखें, जैसा हमने जब Z पैरामीटर के केस में टी नेटवर्क कंसीडर किया था, तब हमने वहां पर केवीएल इक्वेशन अप्लाई किए थे क्योंकि आपके Z पैरामीटर के इक्वेशन केवीएल इक्वेशन थे। अब यहां पर जो आपके पाई नेटवर्क है उसमें हमें केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो Y नेटवर्क के जो पैरामीटर हैं वो केसीएल इक्वेशन शोज करते हैं आपको, ओके। सो अब अगर मैं नोडल एनालिसिस का यूज करूं यहां पर, ओके, सो यहां पर हम देख सकते हैं वोल्टेज कितना है V1, सेम यहां पर भी वोल्टेज क्या है आपका V1, यहां पर वोल्टेज क्या है V2, और यहां पर भी वोल्टेज क्या है आपका V2, एंड दिस विल बिकम द ग्राउंड नोड, ओके। नाउ अब अगर मैं हर एक ब्रांच में करंट का डायरेक्शन शो कर दूं, तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया हर एक ब्रांच में। अब अगर मैं यहां पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करूं, सो एट V1, ओके, मैं अगर यहां ध्यान से देखूं I1 करंट क्या है आपकी इनकमिंग है, सो प्लस I1,
ये जो करंट है जो y1 के अक्रॉस है वो क्या है, v1 के करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग है, सो आउटगोइंग के लिए माइनस, और हम जानते हैं कि वोल्टेज इनटू एडमिटेंस क्या होता है आपका करंट, सो v1 इनटू y1, ये जो y2 के अक्रॉस जो करंट है वो भी क्या है आपकी आउटगोइंग, सो अगेन माइनस v1 माइनस v2, वोल्टेज डिफरेंस हो गया, ये करंट आपकी v1 से v2 की तरफ जा रही है, इनटू एडमिटेंस y2 इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले i1 के फॉर्म में तो ये कितना हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू v1 इनटू y1, ओके, प्लस v1 माइनस v2 इनटू y2, ओके। सो i1 कितना हो गया आपका, जो आपका v1 का कॉफिशियंट है वो कितना आ गया आपका y1 प्लस y2 हो गया, और जो आपका v2 का कॉफिशियंट है वो कितना हो गया माइनस y2 हो गया। सो ये आपका इक्वेशन नंबर वन बन गया, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर वन, हमें i1 का ही इक्वेशन चाहिए था v1 और v2 के टर्म्स में, हमारा इक्वेशन नंबर वन यहां पर क्लियर होता है। अब अगर मैं v2 पर नोडल लगाना चाहूं एट v2, तो हम लोग v2 पर देख सकते हैं v2 पर जो i2 करंट है आपकी, ये i2 करंट आपकी यहां से आ रही है, ठीक है ना, तो v2 पर जो i2 करंट है वो क्या है आपकी इनकमिंग, सो प्लस i2, ओके। नाउ ये जो y3 के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है आपकी आउटगोइंग है, सो आप क्या लिखेंगे माइनस, यहां पर हो जाएगा आपका y3 इंटू v2, ओके, सो y3 इंटू v2। नाउ ये जो करंट है आपकी वो क्या है आपकी इनकमिंग है, जो y2 के अक्रॉस है, इनकमिंग के लिए आप क्या साइन यूज करेंगे प्लस, और वो करंट किस वोल्टेज से किस वोल्टेज की तरफ जा रही है आपकी v1 से v2 की तरफ, तो आप क्या लिखेंगे v1 माइनस v2, ठीक है, इनटू क्या लिख देंगे आप y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आप जीरो, ओके। सो यहां से अगर मैं आप i2 का इक्वेशन लिखने के लिए जाऊं तो जो आपका i2 का इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं यहां पे v1 का कॉफिशियंट देखूं, सो v1 का कॉफिशियंट आपका क्या हो जाएगा माइनस y2, ओके, और अब अगर मैं v2 का कॉफिशियंट देखता हूं यहां से, तो v2 का कॉफिशियंट क्या हो रहा है आपका, आप देख सकते हैं y2 प्लस y3, ओके। सो इक्वेशन नंबर टू से हमें i2 का इक्वेशन मिल गया और इक्वेशन नंबर वन से हमें i1 का इक्वेशन मिल गया। अब अगर मैं y पैरामीटर्स के इक्वेशंस देखूं तो i1 का इक्वेशन मुझे क्या देगा y11 एंड y12, एंड i2 का इक्वेशन मुझे क्या देगा y21 एंड y22, ओके। सो यहां से आपका जो y मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका y11, सो y11 फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन कितना हो रहा है आपका y1 प्लस y2, y12 कितना हो गया माइनस y2, y21 कितना हो गया फिर से माइनस y2, एंड y22 कितना हो गया आपका y2 प्लस y3, ओके। सो ये हमारे y पैरामीटर्स के इक्वेशन बन गए, y पैरामीटर्स का मैट्रिक्स बन गया, ओके। इक्वेशन वन एंड टू आपके इक्वेशंस हैं और ये जो आपका लास्ट में ड्रॉ किया गया है वो क्या है आपका मैट्रिक्स है, ओके। सो हमें ये एग्जांपल तो है बट हमें इस एग्जांपल्स को दिमाग में रखना है, क्यों, जिस तरह से जेड पैरामीटर के लिए टी नेटवर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, सेम वैसी वाई पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग पाई नेटवर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को अफेक्ट करता है। डायरेक्टली आप पाई नेटवर्क के वाई पैरामीटर का यूज कर सकते हैं अदर क्वेश्चन में, तो इसलिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होगा, ओके। तो बहुत आसान है, वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई टू वाई टू प्लस वाई थ्री, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सपोज करो एक और एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूं, आपका क्वेश्चन है पाई नेटवर्क से ही है, आपका क्वेश्चन है कि आपको इसका y पैरामीटर कैलकुलेट करना है 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम का, ओके। सो अगर मैं बोलूंगा 5 सेकंड में आंसर लिखिए तो आप तुरंत लिखेंगे क्योंकि आपने पहले लास्ट क्वेश्चन में इसका आंसर लिख रखा है, क्या होता है फर्स्ट टू को ऐड करना देन माइनस वाई टू देन लास्ट टू को ऐड करना, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 1 प्लस 2 3 देन माइनस टू एंड 5, बट ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है
आप सोचिए जरा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस कर जाते हैं एग्जाम में और हम जल्दबाजी में गलत आंसर लिख देते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका पाई नेटवर्क है उसमें ये जो ब्रांचेस हैं उसमें इंपेडेंस नहीं दिए हुए हैं, उसके एडमिटेंस दिए हुए हैं, और जो मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन दिया है वो यूनिट उसकी क्या है, ओम है, तो वो इंपेडेंस के फॉर्म में है, पहले उसको आपको एडमिटेंस के फॉर्म में लिखना होगा। तो अगर मैं बात करूं Y1 कितना है आपका, 1 है, Y2 कितना है आपका, 1/2 है, और Y3 कितना है आपका, 1/3 है। सो कितना हो जाएगा, Y1 + Y2 1 + 1/2, देन -Y2 -1/2, देन अगेन -Y2 -1/2, देन Y2 + Y3 मीन्स 1/2 + 1/3। तो हमें इन चीजों का भी स्पेशली ध्यान रखना है कि टी नेटवर्क जो हमने सॉल्व किया था उसमें वैल्यूज आपकी इंपेडेंस की गिवन थी, लेकिन जो पाई नेटवर्क हमने सॉल्व किया है उसमें वैल्यूज जो आपकी गिवन है वो एडमिटेंस की गिवन है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंपेडेंस दिया हुआ है तो पहले उसको आप एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, नाउ जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे 6 पैरामीटर थे, जेड, वाई, एच, जी, एबीसीडी एंड एबीसीडी का इनवर्स। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि जो जी होता है वो एच का इनवर्स होता है, एबीसीडी इनवर्स एबीसीडी का इनवर्स होता है, उसी तरीके से जो वाई है वो जेड का इनवर्स होता है, जेड जो होता है वो वाई का इनवर्स होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें जेड मैट्रिक्स गिवन है और हमें वाई मैट्रिक्स निकालना है, या वाई मैट्रिक्स गिवन है और हमें जेड मैट्रिक्स निकालना है, तो जस्ट आपको दिमाग में रखना है कि जेड जो होता है वो वाई का इनवर्स होता है और जो वाई होता है आपका वो जेड का इनवर्स होता है। ओके, तो सपोज करिए मुझे जेड मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, 3 and 4। ओके, मुझे वाई मैट्रिक्स डायरेक्टली कैलकुलेट करना है बिना इक्वेशंस लिखे, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे बस क्या करना है इसका इनवर्स निकालना है। और हम जानते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा इसका, 4 - 6 - 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 × 2 का डिटरमिनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। नाउ एडजॉइंट क्या होता है, ये तो वैसे सिंपल मैथमेटिक्स टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं 2 × 2 का एडजॉइंट का, तो क्या होता है, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट क्या है आपके, 1 और 4, तो आप क्या करेंगे, 4 और 1। सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट के आप साइन चेंज कर दीजिए, तो 2 और 3 है तो आप क्या लिखेंगे, -2 और -3। ओके, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई मैट्रिक्स, क्लियर है पॉइंट। तो ये होता है जेड और वाई में रिलेशनशिप। सपोज करिए आगे जाके जब हम एच पैरामीटर या टी पैरामीटर स्टडी करेंगे तो आपस में हम कैसे रिलेट करेंगे। सपोज करिए मुझे टी पैरामीटर गिवन है और मुझे जेड पैरामीटर निकालने हैं, मुझे एच पैरामीटर गिवन है मुझे वाई पैरामीटर निकालने हैं, क्योंकि वो तो आपस में इनवर्स नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी सिखाऊंगा, बट उसके पहले हम लोग एच और टी पैरामीटर स्टडी कर लेंगे। ओके, उसके बाद जब आप एक बार रिलेशनशिप सीख जाएंगे तो आप किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को किसी भी पैरामीटर की वैल्यू में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका था जेड एंड वाई पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन पैरामीटर एंड हाइब्रिड पैरामीटर। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू।